करने के लिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं जंगलों में जाते हुए, तो है एक्सपेडिशन पहले से प्रोग्रेस में है। हाय, मैं तुम्हारा पायलट हूँ। ओके, अपनी यूनिफॉर्म में होना था, जैसे कैप कोट है ना। Thank you.
कोई भी नहीं बचा, कोई चांस ही नहीं था। क्या तुम एक्साइटेड हो कि हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं? डेफिनेटली। एमी, हमें भी झांकने दो ना, मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर, यू नो, साइकोलॉजिस्ट के दिमाग के अंदर। कैन आई से नो? सेफ, सेफ, कम ऑन, कुछ तो बोलो, कुछ भी। जॉश से जाकर पूछो। जॉश, तुम ही कुछ बोलो यार। क्या क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा मतलब मेरे सपने, डर और वो सब। हाँ हाँ, वो सब नहीं, वो तो एक जोक था। अब पर सच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक बॉटनिस्ट की तरह मैं एक्सपीडिशन पर जा रहा हूँ। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, समझ रही हो ना? ब्लाह ब्लाह, बॉटनिस्ट। ओह क्या बात है, मार ड्रैग नर्ड जॉश की रैगिंग कर रहा है। हे हे हे, क्या तुम बोल रहे हो, मैं एक नर्ड हूँ? मजाक कर रहे हो? आई लव दिस गाय। शूट करना चाहोगी? इस तरह या इस तरह? तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो ग्रेग हूँ, गुड लुकिंग ग्रेग, और हाँ, साथ में एक सुपर जीनियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और अगर मैं यहाँ हूँ तो जेन गुडल यहाँ है। ये जेन गुडल कौन है? बस दुनिया के सबसे बेहतर एथोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्राइमोलॉजिस्ट है वो। उनकी खुद की एक इंस्टीट्यूट। देखा मैं इसे इतना पसंद क्यों करता हूँ? अरे इस कैमरे में नाइट विजन ऑप्शन तो है। वेरी गुड, मैं इसे बाद में यूज करूँगा। क्यों क्यों क्यों? सिडनी शो के लिए यार, अरे कॉपी $10-10 की। ओह गॉड, अभी नहीं, मैंने मेकअप ही नहीं किया है। हाँ सिड, किया है। आओ, तुम्हें पता चल गया, तुम भी ना। तो इसमें ऐसा लिखा है कि तुम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में फर्स्ट आई थी। रियली? हाँ रियली। ओके, तो क्या ये बात कैमरे पर बोल सकती हूँ? जंगल में जाने से पहले मुझे सबके इंटरव्यूज फिनिश करने हैं, तो जरा जल्दी। पर अभी अभी तुम्ही ने तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया था ना। मौका लेकर घर पर इसे देख रहे बच्चों को बहुत सब कहना चाहूंगी। What's up? Oh, come on, Seth, ऐसा कुछ करो ना। हाय, मैं हूँ सेठ, मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ बस। जीसस, देखा कितना आसान था। हमने गलती तो नहीं कर दी? सॉरी। मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं। क्या करेंगे? क्या तुम सब स्टूडेंट हो? हाँ। क्या?
क्या ये सही जगह है? देखो मुझे नहीं लगता है कि ये सही जगह है, डेफिनेटली नहीं है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, उधर जाओ। नहीं जाऊंगा मतलब? वेट, तुम हमें यहाँ शैतान रहते हैं। हे, तुम कहना क्या चाहते हो? शैतान मतलब टाइगर्स और दूसरे जानवर? हाँ शायद। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई और हमें यहाँ से पिकअप करने आएगा? तो यही रुके या फिर? शैतान मतलब क्या? मैं आगे नहीं जा सकता, इस रास्ते से चले जाओ। इस रास्ते से? कहाँ है रास्ता? सामने दिख रहा है ना, वहाँ से जाओ। तो अभी सबको चलना पड़ेगा। लग रहे थे। Well, तुम तो हमेशा से चुपचाप रहते हो, पर इस बार कुछ तो तुम कुछ कहोगे नहीं? बस कुछ सोच रहा था, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये आवाजें, शैडोज, क्रीपी है ना? आई नो। वो क्या है? ये एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इससे हमें पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ। ग्रेट, तो हम हैं कहाँ? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, जब तक चाहो मुझे पकड़े रह सकती हो। मैंने कहा था ना सांप काम आएगा। तुम तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। अब आया मजा, दोबारा मत करना। ओके कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स मूव इट ऑन, लेट्स टेक इट होम, लेट्स गो। हम जंगल में हैं। हमें यही रुकना होगा। यहाँ आगे ट्रैक नहीं है। तो अब हम क्या करें? यही रुकेंगे। क्या हम यही इंतजार करेंगे? प्लान तो यही लगता है।
से। हम खो गए हैं, मुझे यकीन नहीं होता। Well, keep up the good work. तो तुम उसे कब बताओगी कि तुम्हारे पास एक लाइटर है? 5 नहीं बस 10 मिनट बाद। लगता है आज ये बॉनफायर करके रहेगा। शायद लगाती हूँ कि वो एक टॉरियन है, जिद्दी और ऑब्सेसिव। तुम हॉरोस्कोप जानती हो? हाँ जानती हूँ। जैसे सिडनी, वो एक एलियन है। सच में? वाओ, यू आर गुड। बेवकूफ बनाया। कुछ दिखा? नहीं अभी, कुछ भी नहीं दिखा। कैसे दिखता? हाँ शायद हमें बाकी लोगों के पास जाना चाहिए। चलो। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? हाँ वो क्या था? मेरा मतलब आवाज काफी दूर से आई पर बहुत गूंज रही। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई जो तुम कह रही हो, मुझे भी डर लगा। हे गाइस, धुआं निकल रहा है, बस आग जलने वाली है। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। दैट इज नॉट फनी। अरे रुक क्यों गए, मुझे सच में धुआं दिखा। इट्स नॉट फनी। Hey guys. हाँ Greg. Oh my God. क्या हुआ? वहाँ कुछ है। क्या है वहाँ? हिलो मत, शांत रहो। क्या है वहाँ? Oh my God. शांत रहो, हिलो मत। Danny, कैमरा। क्यों? Night vision on करना है। Oh my God. क्या तुम्हें दिखा वो? हाँ, मुझे वो दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे वो दिखाई दे रहा है। हिलो मत। तुम कौन हो? मैं चेन हूँ, मैं प्रोफेसर हैमिल्टन की असिस्टेंट हूँ। अच्छा हूँ, आ गई। सही वक्त पर। चलो। देख, हम प्रोफेसर हैमिल्टन से कब मिल सकते हैं? जब उनकी इच्छा होगी। राइट। हम जनरल जेन के बारे में क्या ख्याल है? हाँ अमी, तुम सच कह रही हो, कुछ तो बात है उसमें। आई डोंट नो। ग्रेग, क्या हर वक्त इस तरह की बातें करना जरूरी है? हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर हैमिल्टन। ब्रेकफास्ट 10 मिनट में लग जाएगा और हम 40 मिनट में निकलेंगे। निकलेंगे कहां के लिए? तुम लोगों को यहां जैकपॉट मिला है। हम सबको मिलने वाला है द जैकपॉट, एक घाटी अनछुई, अभी तक नहीं खोजी गई, खूबसूरत पेड़ पौधे, ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक मिनट, मुझे लगा हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। या तो तुम टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम्स में पढ़ाई जाने वाली चीजें सीखते रहो, या फिर
तुम्हें एक सुनहरा मौका मिला है नई टेक्स्ट बुक्स लिखने का, अपने क्लासरूम्स में नए खोजे गए स्पेसिमेंस लाने की। तुम में से हर एक को एक नया इतिहास लिखने का मौका मिला है। ऐसा कभी कभार ही होता है, ऐसी जगह जाने का मौका जहां पहले कोई इंसान नहीं गया है। ओह, इन दिनों इंसान को इस तरह की चीजें हासिल करने के लिए आसमान से भी ज्यादा ऊंचाइयां छूनी पड़ती हैं, पर हमें नहीं। और हमें ये मौका यहीं मिल गया है, तो जल्दी करो, बिल्कुल वक्त मत गवाओ। ये स्पीच पहले से लिखी है, 100%, 100%। गाइस, मुझे ये कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है, दिस इज कूल, ये तो बिल्कुल अच्छा मौका है, बहुत हाँ। मजा आएगा। तुम क्या कहते हो साइलेंट वन, क्या तुम भी नई राहें खोजने के लिए तैयार हो? पता नहीं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें पूरा सच नहीं बताया जा रहा है? हेलो, गाइस, बाकी के लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा था यहाँ दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, है ना? सब लोगों का यही सोचना है कि प्रोफेसर हैमिल्टन थोड़े से अजीब है। और उनका कैंप क्या यही बेस है? क्या यहीं पर सारे काम होते हैं? मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ। उन्होंने कहा था यहाँ और लोग भी होंगे। हाँ, हमने सुन लिया तुम्हें। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रोफेसर हैमिल्टन और वो चिंकी चैन? अब ऐसा मत कहना कि तुम लोग ये नहीं सोच रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुमसे सुनकर अजीब लगा। हे गाइस, कहाँ रखा था तुमने उसे? ऑब्वियसली जहाँ अभी ढूंढ रही हूँ वहीं। क्या हो रहा है? सिड का फोन गुम हो गया। नहीं, किसी ने उसे चुरा लिया है। क्या बेकार की बात कर रही हो? क्या, अरे मेरा भी नहीं है, ये फोन कौन चुरा रहा है यार? मैं। तुमने हमारा सामान चुराया? कैमरा बंद करो। नहीं, अभी मुझे नहीं लगता इसे बंद करना चाहिए। क्यों करे वो बंद? वो मेरा था। हाँ, अब नहीं है। देखो, हमें प्लीज सारा सामान वापस कर दो, उस बैग में तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरे ऑर्डर्स का पालन कर रही थी। तुम्हारी एबिलिटी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भरोसे से पड़ता है। इस प्रोजेक्ट की जरा सी भी इंफॉर्मेशन लीक हुई तो मैं उससे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑल राइट, सुनो सब लोग, यहां कौन नहीं? तुमने आकर अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अपने बैजेस ऑफ ऑनर समझो। ये नाम के टैग्स हैं, लड़ाई में जाने से पहले के लिए। पर सर, हम तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सर, अच्छा, ये मेरा नहीं है, मैं ग्रेग हूं सर। ग्रेग, हाउ इंटरेस्टिंग। तुम्हारा ब्लड ग्रुप थोड़ा सा अलग है, OH। सेट? हाँ, मैं हूं। अब इस टैग में इमरजेंसी के वक्त लगने वाली सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, पर ख्याल रहे कि अपने नाम का ही पहनना। अपना अपना ले लो।
अपने नाम का ही टैग लेना। पहने रहना, ये तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं। जंगल मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। कितनी गर्मी है यार। और 5 मिनट हो गए, अब चलो। खूबसूरत है ना? हाँ। इस नजारे के लिए अपना कैमरा तैयार कर लो। देखो वो। हाँ तो ये सब अनछुआ है, अनजाना, सब कुछ मेरे लिए, हमारे लिए। हम लोग नीचे कैसे जाएंगे? तो हम लोग इस तरह नीचे जाएंगे। हाँ, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। नो वे, नो वे। और यहाँ खत्म होती है हमारी जर्नी। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? अरे कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। बिना खतरों के जिंदगी में कुछ। जोश के कॉमिक्स में पढ़ा था। मैं नहीं जाने वाली, मैं ये नहीं कर सकती। तो तुम क्या करोगी? वापस चली जाऊंगी। तो वापस जाओगी? मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा दोगी। पर मैं नहीं। मुझे तुम्हारी ही मदद चाहिए डॉक्यूमेंट्री के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहोगी? सॉरी गाइस, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूं और मैं इस बीच में नहीं जा सकती। गलत साबित करना चाहिए उसे भी। कॉनराड हैमिल्टन, और मैं इस वक्त खड़ा हूं द हैमिल्टन क्रेटर के छोर पर, जो एक अनछुई घाटी के नीचे है, एकदम प्योर और नेचुरल स्टेट में, जैसे ये लाखों साल पहले था और आज भी वैसा ही है। क्या आप पहले यहाँ जा चुके हैं प्रोफेसर, यहाँ इस घाटी के अंदर? नहीं, हम ही पहले होंगे। तुम सब इतिहास बनते देख रहे हो और तुम सब उसका हिस्सा होगे। ओके गाइस, मैं तुमसे नीचे मिलता हूँ। सी यू डाउन देयर। मैं तुम्हारा वेट करूंगा।
हो या कंप्यूटर पर हमें आगे बढ़ना ही है। कैंप लगाने के बाद उसकी चोट देख लेना। हम इस आदमी से नहीं छोड़ सकते। क्या है हेडक्वार्टर्स बेस कैंप? पर यहाँ आने वाले तो हम पहले इंसान है ना? हाँ थे, तो बहस इसी बात से शुरू हुई। तो बाकी लोग यहाँ पहले से पहुंच चुके हैं है ना? कहाँ है वो लोग? बाकी लोग तुम ही हो बाकी लोग। वैसे मुझे एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहिए, पर ये मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, पर तुम लोगों को यहाँ भी तो लाना था। पर इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं और चैन पहले भी इस घाटी में उतर चुके हैं, पर फिर भी हमने इसकी बाहरी सीमाओं को एक्सप्लोर नहीं किया है। और उन सारे बैग्स का क्या? वो किसके हैं? प्रोफेसर, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अब ठीक है? हाँ, काफी ठीक है। थैंक्स। कितना ख्याल रखती है वो उसका। हाँ, अच्छी बात है। Come on, seriously? मैं सीरियस ही हूँ। वो आदमी बिल्कुल पागल है। ना, मैं इसे नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं? तुम्हें तो सब कुछ सच सच दिखाना है ना? हाँ, पर फिर भी। Hang on, आ रहा है 12 o'clock पर। क्या? तुम्हारे पीछे। यहां देखो सब लोग। चलो सब अपना दिमाग यूज करो। या किसी को पता है कि ये क्या है? ये स्कल का एक हिस्सा है। आइंस्टाइन? पर है नहीं। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत अजीब है। क्या क्या बात है फिर? ये एक मंकी स्कल है। तो क्या? नहीं, ये मंकी तो बिल्कुल नहीं है। तो इंसान? वो चीज? या राइट। ये मेरे ख्याल से सिडनी को इस बात का एहसास हो रहा है कि उसे पता नहीं है कि ये चीज क्या है। मजाक कर रहे हो। पर मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो? इसके डिस्टॉर्टेड फीचर्स को छोड़ दें तो इसका क्रेनियम देखो, इसका वॉल्यूम बिल्कुल बिल्कुल हमारे जैसा है। मेरा मतलब हम 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना वॉल्यूम। राइट। और ये होना चाहिए कम से कम 14-15। नहीं, ये होगा करीब 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्रीचर एक्सटिंक्ट कब हुआ? नहीं हुआ।
मेरे टेंट में ले जाओ, मेरे टेंट में संभाल के जल्दी। वहीं रुको तुम सब, वहीं रुको। पता नहीं कब उठ के आ गया ये, अब इसका क्या करें बताइए प्रोफेसर। मुझे सोचने दो, सोचने दो। क्या तुमने देखा था उसे? कितना बड़ा था? कोई नहीं कह रहा है तो मैं कह देता हूँ। तो हेल वाज दैट वन? तुमने उसे पकड़ा क्या? नहीं, जाके पकड़ा के वो छूट कैसे गया बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ बताओ मुझे। कोई नहीं है, मैं हूँ। तुमने देखा अंदर क्या हो रहा है? वो क्या है? चैन कुछ खोज रही है। इस वक्त, इतनी रात को? मुझे लगता है वो हमारे भले के लिए ही है। इधर इधर आ। ये कब्र है इस आदमी के लिए? हाँ, कुछ देर पहले उसे टेंट से बाहर लेकर आए थे लोग। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स नहीं, अभी तो नहीं। हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से डील नहीं करनी चाहिए, वो तो स्टूडेंट पार्टीज में ही काफी मिल जाता है। क्या तुम्हें वो खोपड़ी वाली बात समझ में आई? हाँ, इंटेलिजेंस बोल लो या इवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस, उसे खोपड़ी के साइज से मेजर किया जा सकता है। तो हो सकता है वो न्यू स्पीसीज हो। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो उनके बारे में इतना प्रोटेक्टिव है तो हमें यहाँ पर क्यों लाया है। आई नो। अच्छा पता है, सिडनी और जॉश कल वापस जाने की बात कर रहे थे, वो बहुत डरी हुई है। अच्छा, पर कैसे? पता नहीं, पर वो कह रही थी कि उसे यकीन है कि उसे वापसी का रास्ता याद है। व्हाट अबाउट यू? क्या तुम उनके साथ जा रही हो? मैं सोच तो रही थी, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक हॉस्टेज हूँ। हाँ, उन्होंने उसे जाने दिया, ये हमारे लिए एक वार्निंग थी। मुझे जाना ही है। ओके, मैं जानती हूं कि बाहर बहुत अंधेरा है, पर मुझे जाना ही है। मुझे बाथरूम जाना है। बाहर ग्रेग, कम ऑन गाइस, कुछ तो प्राइवेसी दो। गेट लॉस्ट, बस बहुत हो गया, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। सिडनी चली गई। क्या? मैं उठी तो वो जा चुकी थी, उसे रास्ता पता होगा, पर वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हैमिल्टन ने इस बारे में कुछ कहा? नहीं। आ गए मिस्टर शर्लक होम्स। या तो अंदर आओ या चले जाओ। बैठो। क्या बात है?
आज सुबह सिडनी आए थे आपसे बात करने। किसकी बात कर रहे हो, काले बालों वाली? नहीं, ब्लॉन्ड। अरे हाँ वो। हाँ तो उसने कुछ बताया? हाँ बताया। अच्छा, और वो चली गई? मेरा मतलब आपने उसे जाने दिया? उसे जाने दिया, मैं क्यों रोकूं उसे? ऐसा तो नहीं कि तुम लोग यहाँ बंदी हो? मैंने आज सुबह ही उसे बाहर तक पहुंचाने चेन को उसके साथ भेजा है, वो आई थी मुझसे मिलने। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टेड थी, पर उसने कहा कि उसका जाना ही ठीक होगा, उसे घर की याद आ रही थी। अच्छा वाकई? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा क्या? उसे हमारा इंतजार करना चाहिए था, कम से कम बाय तो बोलकर जाती। औरतों को तो जानते ही, एक बार कोई बात ठान ली तो। और क्या प्रोफेसर, हम यहाँ एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हमें बताएंगे आप? तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, मत चलने दो। मैं अपने दिल में बगावत बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, समझे तुम? मैं चाहता हूं तुम इन सबको लीड करो, क्योंकि हम और आगे जा रहे हैं उस अनजान इलाके में जिसमें ले जाने का वादा मैंने तुमसे किया था। और जॉश, उसके पैर की हालत ऐसी है कि हाँ, मुझे पता है, जाने की सोच भी नहीं सकते। वो रुक सकता है, पर बाकी लोग देखो, अगर मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो तुम सब लोगों को मेरे साथ आना होगा। मुझे तुमसे बात उम्मीद है। क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? Help! Help! Help!
है ये काम कर रहा है आखिर वो है क्या? एक सेकंड, सिडनी का क्या हुआ? तुम उसे वापस ले गई थी ना? हाँ, सिडनी सही सलामत वापस पहुंच गई है। ये बहुत जल्दी पहुंचा के आ गई उसे। जैसा कि तुम देख सकते हो, चेन काफी तेज तरार है। हाँ, फिर भी वो इतनी आगे बढ़ने की तैयारी करो। दो मिनट। अरे यार, हमें कुछ करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम बलि के बकरे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं लगता कि ये इस जगह में इतना इंटरेस्टेड है। उसका मकसद है यहाँ रहने वाले जीवों की तलाश करना। तुम ये क्या कर रहे हो? निशान छोड़ रहा हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ताकि हम लोग यहाँ से निकल सकें इन दोनों के बिना। और वो हम करेंगे कैसे? बंदूक, हमें उनकी बंदूक हासिल करनी होगी। ही करना है तो आज रात ही करना होगा। और जॉर्ज का क्या? अगर बंदूक मिल जाए तो किसी बात की फिक्र नहीं होगी, फिर हम जॉर्ज के साथ वापस जा सकते हैं। आगे बढ़ो। इस तरफ। कैंप यहीं लगाएंगे। अपना अपना टेंट यहीं लगा लो। लो पानी पी लो। थैंक्स। मक्खियाँ कितनी सारी हैं यहाँ पर। यहाँ इतनी मक्खियाँ क्यों हैं? चेन हटाओ इसे। चलो उठो, इस गंदगी से निकालती हूँ तुम्हें। ये कहने की वार्निंग है? वार्निंग है? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, ये हमारे लिए एक वार्निंग है। कम ऑन। वो क्या है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं।
थैंक यू। ओके आपको सच में लगता है हमारा यहाँ रुकना सेफ है? हाँ बिल्कुल लगता है। बोलना शुरू करो। मुझे भी लगता है वक्त आ गया है। तो सुनो तुम लोग, मैंने प्राइमेट्स की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है, एवोल्यूशन की एक बिल्कुल ही अलग कड़ी, ऐसी कड़ी जो कई बिखरी कड़ियों को आपस में जोड़ सकती है। वो मिसिंग लिंक, किसी खोज ली गई चीज को तुम मिसिंग कैसे कह सकते हो? नहीं, ये कुछ अलग ही है। आपका मतलब है कि ये जीव हजारों सालों से यहाँ पनप रहे हैं? आप उन्हें क्या बुलाते हैं? उन्हें क्या बुलाते हैं आप उन्हें? फ्रेंकली मुझे नहीं पता। ये तो बिगफुट या एलियंस का एग्जिस्टेंस साबित करने जैसा है, और ये सब बस उनके हमारे पास आने के बजाय हम उनके पास जा रहे हैं। आपके पास वो स्कल है, क्या वो सबूत काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि वो आज भी जिंदा है। हमें और कुछ ठोस चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। एग्जैक्टली। कितने डेंजरस है वो? वेल, मेरे हिसाब से वो तभी डेंजरस होते हैं जब उनके इलाके में कोई घुसपैठ करे, और यही काम तो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो लोग जंगल के बाकी जीवों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। और असली बात ये है स्टूडेंट्स, कि मैं ये काम तुम लोगों के बिना नहीं कर सकता। देखो, अगर मैंने एकेडेमिया से असिस्टेंट चुने होते तो वो भी इस खोज में अपना नाम जोड़ना चाहते, पर तुम लोग तो बस स्टूडेंट्स हो, और तुम उनके जितने ही स्मार्ट हो, पर तुम में से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं है। बुरा मत मानना मेरी बात का। अब ये तो गलत है प्रोफेसर। आपको एहसास है कि जब किसी को पता चलेगा क्या होगा? मेरा मतलब आप उनसे कैदियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, मानो हम आपके लैब रैट्स हैं। ये खत्म होने तक तुम खुद किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम इस खोज से और अपने नए नॉलेज से इतने एक्साइटेड होगे कि तुम्हें मेरी छोटी मोटी जोर जबरदस्ती याद भी नहीं रहेगी। बहुत हो गया, चलो अब हमें आराम करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? बहुत बुरे फंसे हैं हम लोग। सिडनी ठीक कह रही थी, खासकर उन सब मिसिंग लोगों के बारे में। मुझे तो सोचना भी नहीं है कि उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। मैं गन चुरा लूंगा। आज रात सबके सोने के बाद मैं गन को चुराने जाऊंगा। मैं भी नहीं, बहुत जल्दी काम करना होगा, बिल्कुल शोर नहीं कर सकते। अगर दो होंगे तो नहीं, अच्छा होगा अगर अकेला मैं ही जाऊं। जाने मतलब मैं भी तो जा सकता हूँ। क्रेग, देखो अगर तुम गए और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि जॉश को उठा सकूं। मेरी फिक्र मत करो, इतने महान भी मत बनो। ऐसा नहीं है, पता क्या होगा जब
वो लोग उठ जाएंगे। देखो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दैट्स ऑल। तो फिर अंदर मैं जाऊंगा। कुछ हो जाए तो चिल्ला जरूर दे। हाँ जरूर, थैंक्स। अच्छा आइडिया है ग्रेग। और दोस्तों मान लो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। देखो ये मोर्स कोड की तरह है, SOS, बिना डॉट्स। देखा, बैटमैन के पास भी ऐसी ही घड़ी थी। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? वो डैनी क्रैग के साथ है और आज रात मैं अकेली नहीं रहना चाहती। नहीं, आई मीन हाँ जरूर। मुझे नहीं लगता कि आज रात किसी को भी अकेला रहना चाहिए। सही कहा। थैंक यू। आज रात वो आवाजें क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, हो सकता है हमें एक और वार्निंग दे रहे हैं, वैसी वार्निंग जैसी वॉर के पहले दी जाती है। मेरा मतलब वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कुछ भी ना हो। हमें तो ये तक नहीं पता कि हम किससे डील कर रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। गुड, मुझे लग रहा नहीं, हमें और इंतजार करना होगा। खुशी है कि तुम्हारा इतना बड़ा है टेंट। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता हूँ। कितने इडियट हो तुम। तुम ठीक तो हो जॉश? मैं अपना खुद का टेंट क्यों नहीं लगा सकता? तुम मेरे कहने का मतलब जानते हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रियली। मैं तो बस सिडनी के बारे में सोचता रहता हूँ। पता नहीं, शायद हो सकता है शायद उन्होंने उसे भी। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद बारिश हो रही है।
बदबू मेरे पैर से नहीं आ रही। बदबू है जॉश, उसे बाहर निकालो। क्या वो बारिश यूरिन थी? ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? कम ऑन ग्रेग, सच बोल रहा हूँ। कुछ जानवर अपने शिकार पर पेशाब करते हैं। कुछ भी, संभल कर जॉश, वो तुम्हें माफ कर रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ टेन मुझे 11 मिले हैं। जॉश, जॉश चला गया, वो उसको ले गए। और ग्रेग कहाँ है? उसके पीछे गया है। रुको रुको, वेट वेट, जिंदा या मुर्दा मुझे एक चाहिए। नहीं, नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ,
God, help! 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 No! मुझे उसके पीछे जाना होगा, हमें यहाँ अकेला छोड़ मुझे उसके पीछे जाना होगा, तुम लोग कहीं रहोगे भी आता हूँ। तुम उनके पास नहीं जाओगे। बचाओ, आप प्लीज बचाओ मुझे। छोड़ो, प्लीज बचाओ। बकरे की तरह इस्तेमाल किया। तुम अच्छी तरह जानते थे कि ये जगह कितनी खतरनाक है, उसके बावजूद तुमने हम सबको यहाँ पर बुलाया। तुम्हें समझना होगा। नहीं, बस अब और नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। किसके बारे में? डेस्परेशन, पागलपन, फेलियर। फेलियर? मैं लगभग सफल होने ही वाला हूँ। क्या तुम्हें एहसास भी है कि यहाँ किसकी खोज होने वाली है? बताइए मुझे किसकी खोज होने वाली है? वो हमें मार रहे हैं। तुम हमें मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही हमें यहाँ से बाहर जाने देंगे? बस यहाँ से बाहर निकल जाओ, उन्हें पिंजरे में कैद कर लो और उनके गले में बड़ा सा बोर्ड लटका दो। मुझे पता था कुछ नुकसान तो होगा ही। ऐसे मिशन में कुछ बलियां तो चढ़ती ही हैं। अच्छा, वाकई? खैर, उसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे। जब मैं वापस जाऊंगा तो सबको बताऊंगा कि कैसे तुमने अपनी महान डिस्कवरी के लिए एक 20 साल की लड़की की बलि चढ़ा दी। कुछ सुना तुमने?
हाँ सुना मैंने। कहाँ है ग्रेग? कहाँ है ग्रेग? कहाँ है सेठ? गए, सब चले गए। क्या ये ऑन है? बोलना शुरू करो। हाँ। आजाद, हमारा एक्सपेडिशन जिसका लीडर मैं कॉनराड हैमिल्टन हूं, मुझ पर अटैक किया एक नई ब्रीड ने, एक इंटेलिजेंट प्रजाति जिन्होंने अब तक हमारे दल के 5 सदस्यों की हत्या कर दी है। हमारा पीछा किया जा रहा है, हमारा शिकार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अटल हैं। कल हम फिर से शुरू करेंगे। हम में से सिर्फ 3 बाकी हैं और हम तीनों ही अपनी इस खोज पर। क्या कहा? तुम सीरियस नहीं हो सकते? यस, ऑफ कोर्स, हम अपना सपना पूरा करने के कगार पे हैं। हमारा सपना? हमें इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तुम बस रिकॉर्ड करती रहो और हम तीनों अपनी इस नई ब्रीड की खोज लगातार जारी रखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाहरी दुनिया को ये दिखा सकें कि ये अनोखे जीव अब भी जिंदा हैं। चाहिए। कौन? तुम्हारी फ्रेंड सिडनी। वो क्या चीज है? एक ट्रैकिंग डिवाइस है। क्या है? तुम सच कह रहे हो? कोई जानता है यहाँ? एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, ट्रैकिंग हम लोग ही कर रहे हैं। सिडनी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगी। तुम ये सब रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही हो? ये कैमरा किस लिए है? रिकॉर्ड इट। हम करीब हैं, बहुत करीब हैं। क्या आपने उनमें से किसी एक पर डिवाइस प्लान किया था? किसी एक पर? नहीं, तुम सब पर। क्या? I can't believe you। उन लोगों ने सिडनी को पकड़ लिया है ना, और तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, इसीलिए कर पाया मैं, इसीलिए किया मैंने ये सब। वो यही होनी चाहिए, ठीक यही। गॉड, गॉड, रिकॉर्ड करो। मैं नहीं कह सकती। यस यू कैन। उन्होंने किया ही नहीं, सब उन्होंने किया। इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा है।
और ये मेरी खोज है। मैं प्रोफेसर खान गुड अब चलो यहाँ से। उसने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। ओके लेट्स गो। कैंप का रास्ता उस तरफ है और वहां से हमारे पास निशान है। अभी अंधेरा होने में 3 घंटे और हैं। तुम लोग चलोगे ना मेरे साथ? मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। तो निकलो यहाँ से, चलो। No. क्या तुमने अपना कैंप पैक किया था? No. ओके ओके कम ऑन। देखो ओके ओके देखो हमें बस आगे बढ़ते जाना है। ओके आगे बढ़ते रहना। आओ कम ऑन। बहुत डर लग रहा है। एक निशान यहाँ पर था, ठीक यहाँ पर, मुझे याद है ठीक यहाँ पर था। हाँ मुझे याद है। तो अगर तुम्हें याद है तो हम सही रास्ते पर होंगे, है ना? राइट राइट इस तरफ। अगर उन्हें वो मिल गए होंगे तो अभी तो बस आगे बढ़ते रहो। ओके ओके मूव। ओके चलो। कैमरा बटन वो कहाँ है? वो जानते हैं।